अरे ये तो झट से हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं है इनकी ताकत के बारे में। अरे अभी तुम सबके सामने मेरी मरी हुई दादी की आत्मा से बात कराएंगे, है ना महाराज? ऐसे कभी भी किसी से बात कैसे करा सकते हैं? देखिए कृपा करके आप सब लोग चले जाइए, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। और एक विनती है, मेरी पत्नी की आत्मा का मजाक मत उड़ाइए। अच्छा तो तुम कह रहे हो कि हम सब यहाँ से चुपचाप चले जाएं और तुम्हारी मरी हुई पत्नी की आत्मा जो हमें परेशान कर रही है हम चुपचाप सहते रहें? तो आप इनसे कहिए ना कि इनकी मरी हुई दादी से बात करवा दे। तांत्रिक क्रियाओं से सिद्ध की गई शक्तियों पर सवाल उठाओगे तो सब नष्ट हो जाओगे। जिंदा व्यक्ति अलग अलग होते हैं, कोई किसी को परेशान करता है, कोई किसी को मदद करता है, कोई किसी को पीड़ा देता है। मृत्यु के बाद बस वो अपनों को याद आते हैं, अपनों को पीड़ा देते हैं। मृत्यु के बाद कोई किसी को क्या परेशान करेगा, इसलिए जरा सोचिए, जरूर सोचिए। किन लोगों के भरोसे धर्म और संस्कृति की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? वो जो भीमराव के घर जाते ही चुप हो गए, उसने दो चार बात क्या कह दी, उनका विश्वास हिल गया। तो तुम भी तो वहां शांत हो गए थे। अरे कुछ चमत्कार वमत्कार दिखाते तो लोग विश्वास करते ना तुम पर। कौन सा चमत्कार दिखाता सेठ जी, जब अपने ही लोग साथ छोड़ देंगे तो कोई चमत्कार काम नहीं करेगा। कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे, निकल जाओ यहां से। महाराज जी खड़े खड़े मुंह क्या दिख रहा है, निकल यहां से। और तुम सब भी समझ जाओ कि भीमराव के पास चमत्कार जैसी कोई एक चीज है। शिक्षा चमत्कार पर से विश्वास हटाती है और वास्तविकता के करीब लेकर जाती है। आज तुम तीनों भाइयों ने जो काम किया और जिस तरह उस तांत्रिक की बातों से प्रभावित नहीं हुए, वो बस इसलिए कि तुम शिक्षित हो। बाबा आज बाला भैया ने कितने सही बुद्धि लगाई, नहीं तो आज वही की सारी निशानियों को जला देते। अरे बुद्धि इसलिए काम कर गई क्योंकि मैंने सोचा अगर भीम आई को लेकर इतना चिंतित नहीं होता तो वो क्या करता। बस मन में ये विचार आ गया। तुम दोनों का स्कूल का समय हो गया, स्कूल जाओ। आज मैं भी काम पर जाऊंगा और जाते जाते तुम सबका खाना पहुंचाते हुए जाऊंगा। जाओ तैयार हो जाओ। भीम तुझे पता? भीम यहाँ क्यों बैठे हो, क्या हुआ? दादा जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? आए नहीं तो किसके लिए पढ़ूं, किसको घर जाकर कहेंगे
बाबा ने क्या कहा था कि दुख सबके ऊपर आता है और हमें उसे सहना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। आई के जाने के बाद तो तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि आई भी तो हमेशा से यही चाहती थी ना कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़े आदमी बनो। फिर भीम, बाबा भी तो काम पर गए हैं ना, क्या उन्हें आई के जाने का दुख नहीं है? पर वो अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, तो तुम कैसे मोड़ सकते हो? भीम, बाबा से सीखो और बाबा की ही तरह मजबूत बनो। चलो उठो। सेठ जी, भीमा भाई थी इतनी अच्छी कि उसके बिना जिंदगी कैसे कटेगी समझ में नहीं आ रहा। ना मुझे ना मेरे बच्चों को, लेकिन मैं भी एक बाप हूं। मेरे बच्चों की जिंदगी पटरी पर लाने की मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे बच्चों को लगना चाहिए कि किसी के मरने पर कोई भी काम रुकता नहीं, बल्कि वो काम ज्यादा गंभीर और जरूरी हो जाता है। इसलिए मैंने सब कुछ सामान्य होने का इंतजार किया और फिर यह काम पर चला आया। राम जी, हम सब तुम्हारी पत्नी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। नहीं, मैं कर लूंगी। अरे मैं करती हूँ ना, अच्छे से करूंगी, दुखेगा नहीं। नहीं, मैं कर लूंगी। अब मुझे मेरी आदत नहीं खराब करनी है। पता है, जब ससुराल से वापस आ गई थी तब तेरी आई ऐसे ही मेरे बाल बनाने लगी थी। उससे भी मैंने कहा था, रहने दे, कर लूंगी मैं, लेकिन नहीं मानी, मनाने लगी। कहती थी, दीदी जब तक मैं हूं तब तक आपको कंघी को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। और मैं भी सोचती थी कि मैं तो उम्र में उससे बड़ी हूं, भले तो मैं ही मर जाऊंगी, मेरे जीते जी तो ये रहेगी ही। हर ऐसे ही बाल बनने लगे, लेकिन चली गई हमें छोड़कर। अब मुझे मेरी आदत नहीं खराब करनी है, नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद, कर लूंगी मैं, जा यहां से। बाबा को नहीं आना है ना, मैं आऊंगी, आप भी आएंगे ना? हाँ, बुआ भी आएंगे, हम सब आएंगे। बाला सुनना, मुझे सिखा कैसे बजाते हैं। आप सीख कर क्या करोगे?
क्या करूंगी मतलब? घर में ही सही, लेकिन कभी कभी मन होगा तो बजा लूंगी। बैठ। तेरे दोस्तों ने बताया तू यहां अकेला है, तो मैं आ गई। बाला, आई से मेरी ज्यादा बनती नहीं थी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था, लेकिन आज वो नहीं है तो उनके उनके बहुत याद आ रही है। बाला, आई से झगड़ा भी कोई झगड़ा होता है? हाँ, और आई है तो याद तो आएगी ना, तो ऐसे रोने से क्या होगा बाला? बाबा से तो तू कह रहा था हम सब साथ हैं, सब साथ मिलकर जिम्मेदारी उठाएंगे, और अब यहां ऐसे अकेले बैठकर रो रहा है। हाँ, मैं कोशिश करता हूं लेकिन अब भाई के बिना नहीं रहा जा रहा है। बाला, कोशिश को सफल करना होगा, वो इसलिए क्योंकि भीम और आनंद तुमसे छोटे हैं, और जानता है पिता का सबसे बड़ा साहस उनका बड़ा बेटा होता है, और मैं जानती हूं तू अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगा। अब रो मत, ठीक है? ये ले, अपना काम खत्म करके भीम और आनंद के विद्यालय चले जा, उन्हें अपने साथ ले आना। परिवार पर कोई विपत्ति आती है तो सबको साथ होना चाहिए, ना कि ऐसे अकेले में रोना चाहिए, समझा? हाँ। जा, मैं लेकर आता हूं। अरे भाई, लोगों को शर्म ही नहीं है, दो दिन पहले तो इसकी आई मरी थी, सम्मान भोज भी खाए, अब देखो विद्यालय जा रहे हैं। अरे इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, इसके घर में तो लोग मरते ही रहते हैं, कहीं तो भाई बहन मर गए इसके और अब आई मर गई। अरे लोग तो ये भी कहते हैं कि भीमराव ने अपने विद्यालय की फीस इकट्ठी कर रखी थी और उस फीस को बचाने के लिए माँ का इलाज नहीं करवाया, अब देखो माँ मर गई। अरे लोग तो ये भी कहते हैं इसका बाप जो पैसे कमा कर लाता था उस पैसे से इसकी आई बाजार से चटपटा लेकर खा लेती थी और पैसे बचते ही नहीं थे, इसीलिए तो इसके भाई बहन भूख से मर गए। भाऊ, मुझे तो लगता है कि इसके घर में सब हथियारे ही हैं, किसी ने किसी की हत्या कर दी और आगे भी करता रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि भीमराव कल को अपने बाबा की ही हत्या कर दे, यानी किस्सा खत्म। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा? अरे गुस्सा करके भी क्या कर लेगा, हाँ? क्या सोच रहा है, पत्थर उठाकर मारेगा? उठा उठा, हैसियत है तेरी पत्थर उठाने की?
व्यक्ति जब गुस्से में हो तो उसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, ज्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए कि वो गुस्सा बर्दाश्त कर लेता है या हाथ में पत्थर उठाता है। देख भीवा, इस दुनिया में ना दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो गुस्से को नियंत्रित करके उसका उपयोग सकारात्मक कार्यों में करते हैं, और दूसरे वो जो गुस्से को काबू नहीं कर सकते और बिना सोचे समझे पत्थर हाथ में उठाते हैं। तुझे क्या करना है, किस तरह का इंसान बनना है तुझे, अभी तय करना होगा, क्योंकि ऐसे मौकों पर ऐसे कसौटी के क्षणों में ही ये तय करना पड़ता है, और तुझे भी अभी तय करना होगा। क्या हुआ, पत्थर उठा के मार रहे थे हमें? उठाओ पत्थर, मारो, हम भी देखें कि इन पत्थरों से होता क्या है, कितना बदल जाता है वो सच जिसे सुनकर तुम इतना तिल मिला गए। भीम छोड़ इन्हें, घर चल। अगर मैं आपको पत्थर से मार देता तो मैं आप सब की तरह ही हो जाता। मेरी आई ने मुझे आप सब की तरह बनने से बचा लिया। आप भी सोचिएगा कि क्या ज्यादा सही है, किसी के दिल में अपने प्रति सम्मान पैदा करना या किसी को मजबूर कर देना कि वो पत्थर उठा ले। भीम, अरे भीम कहाँ जा रहा है भीम? अरे वो तो गया दुम दबा के, अब तुम भी जाओ। भीम दुम दबाकर भागने वालों में से नहीं है, और वो इतना आसान भी नहीं है कि आप लोग उसे समझ जाए। बस उसने जो समझाया है उसके बारे में सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। हट, चलो। भीम, 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 भीम। हाय, ये क्या बात हुई आई, मुझसे बात भी नहीं की, ना तो पहले की तरह पूछा कि आज दिन भर में क्या हुआ, और ऐसे ही यहाँ आ गई। पता नहीं कहाँ जा रही हो, चलो घर। नहीं, मुझे अपने घर जाना है, तू घर जा। अपने घर मतलब आपका कोई और भी घर है? कहाँ है कहीं? जाओ जाओ, तुम घर जाओ। नहीं आई, आप मेरे साथ चलिए, नहीं तो मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं भीवा, भीवा तुझे उस घर में जाना होगा जहाँ पे हमारा पूरा परिवार है, जहाँ पे तुम रहते हो। लेकिन आई, उसमें तो आप भी रहते हो। रहती थी, अब नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकते, अब जरूर रह सकते हो। चलिए, जिद मत करो, समझने की कोशिश करो। भीवा देखो, तुम जिद करते रहोगे तो मिलने भी नहीं आओगे। नहीं आई, नहीं, नहीं। तो जाने दो मुझे अपने घर। Oh.